चॉकलेट मम्मी से मैं सीमा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ओसान बीबी की पूजा और कथा सुनाने जा रही हूँ। ओसान बीबी की पूजा का शुद्ध नाम अवसान विधि की पूजा है। हमारे देश के पूर्वी प्रांतों में से अचानक देवी व्रत करते हुए विवाह के बाद में शुभ कार्य करने के बाद 7 सुहागिन स्त्रियों को आमंत्रित करके सुहाग की पूजा की जाती है। उन्हें खाना खिलाया जाता है और उनका आंचल भरा जाता है। भगवान राम और सीता के विवाह के बाद जनकपुरी से लौटने के बाद राजा दशरथ ने सुहागिन स्त्रियों को सम्मानित आमंत्रित किया था और पूजन किया था और गुड़ और चने की दाल का प्रसाद बांटा था। सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराने का नियम है। रात्रि हरि कीर्तन करके समय व्यतीत करना चाहिए। कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक भाई बहन थे। भाई को चिड़िया पालने का बहुत शौक था। वह दिन रात उन्हीं की देखभाल में लगा रहता था। जब भाई की सगाई हुई तो उसी दिन से वह दुबला होने लगा। एक दिन बहन ने भाई से इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि मुझे किसी बात का कोई दुख नहीं है, किंतु मुझे यह चिंता हो रही है कि जब मैं बारात के साथ विवाह करने के लिए जाऊंगा तो मेरे पीछे से 3-4 दिन तक मेरी चिड़ियों को दाना पानी कौन देगा? यदि इनकी देखभाल में थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो कठिन परिश्रम से पाली हुई मेरी चिड़िया बेमौत मर जाएगी। बहन ने भाई को धैर्य बंधाया और कहा कि तुम जरा भी चिंता न करो, यह काम मैं अपने जिम्मे लेती हूँ। तुम्हारी चिड़िया को दाना पानी मैं स्वयं दूंगी और तुम्हारे लौटने के बाद मैं उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगी। कुछ दिनों में विवाह की तिथि आने पर भाई दूल्हा बनकर बारात के साथ चला गया। बहन भी घर के काम में व्यस्त होने के बाद एक दिन जब वह चिड़िया को देखने के लिए गई तब उसने देखा कि चिड़िया में अधिकतर चिड़िया मरी पड़ी थी। यह देखकर उसे बहुत परेशानी हुई और उसने मन ही मन ओसान बीबी का स्मरण किया और कहने लगी, हे देवी, आपकी कृपा से अगर चिड़िया जी उठे तो मैं दुरैया कराऊंगी। देव योग से सभी चिड़िया जी उठी। तब बहन ने उनको दाना पानी दिया। चिड़िया को दाना पानी देकर वह बाहर आई तो अपने मन में वह विचार करने लगी कि यदि कोई घर के बाहर से निकले तो मैं उन्हें भुने चने मंगवाऊं और सुहागिनों को बुलाकर न्योता दूं। तभी उधर से एक बारात निकली। लड़की ने बारातियों से प्रार्थना की और कहा कि मेरे ये चने भुना कर ला दो, किंतु बारातियों ने इनकार कर दिया। बारात ने गांव से आगे चलकर एक अच्छा स्थान देखकर वहां विश्राम करने का निश्चय किया। तभी उनका दूल्हा मूर्छित होकर गिर पड़ा। लड़की अपने घर के द्वार पर खड़ी थी। थोड़ी देर बाद उधर से एक मुर्दा निकला। उन्होंने लोगों से कहा कि कोई मेरे चने भुना कर ला दो तो मैं सुहागनों को न्योता बुलाऊं। उनमें से एक ने कहा, क्या हर्ज है, इसके चने भुना कर ला देते हैं, अभी मुर्दा जलाने में तो कुछ समय है। यह सोचकर कुछ लोग चने भुनाने के लिए चले गए। तभी उनकी अर्थी पर से मुर्दा उठकर बैठ गया। यह देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। सबने लड़की के पास जाकर श्रद्धा से नमस्कार करके कहा, बहन, तुमने ये क्या जादू किया जिससे हमारा मुर्दा जीवित हो गया? लड़की ने उत्तर दिया, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम, मेरी दुरैया जाने, ओसान बीबी जाने। मैंने ओसान बीबी से प्रार्थना की थी कि मेरे भाई की मरी चिड़िया जी उठे तो मैं भुने चने का प्रसाद बांटूंगी। उनकी पूजा के प्रसाद के लिए मैंने आप लोगों से चने बुनाने के लिए कहा और आप लोगों ने हाँ कर दी, इसीलिए शायद आपका मुर्दा जी उठा। यह सब ओसान बीबी की माया है। उन लोगों ने भी सुहागनों को न्योता बुलाया और ओसान बीबी की विधि पूर्वक पूजा की। जिन लोगों का दूल्हा बेहोश हो गया था वे भी वापस लौटकर उसी लड़की के पास आए और पूछा कि बहन, ये तुमने क्या किया, हमारा दूल्हा बेहोश होकर गिर गया है। लड़की ने कहा, मैं क्या जानूँ, मेरी ओसान बीबी जाने। उनकी पूजा के लिए चने भुनाकर ला देने के लिए मैंने आप लोगों से कहा था, लेकिन आप लोगों ने इनकार कर दिया। उधर दूसरी तरफ जब मुर्दा जा रहा था तो मैंने उनमें से किसी से कहा तो वो मुझे चने भुनाकर ला दिए, तो उनका तो मुर्दा भी उठकर बैठ गया।
तब उन लोगों ने कहा कि आप हमें ओसान बीबी की पूजा विधि बता दो, हम भी घर पहुंचकर पूजा करेंगे। लड़की ने उन्हें पूजा की विधि बता दी। पूजा का संकल्प लेते ही उनका दूल्हा स्वस्थ हो गया। तब उन लोगों ने घर पहुंचकर सास सुहागिन न्योती उनके आंचल भरे श्रद्धापूर्वक ओसान बीबी की पूजा की। इधर जब लड़की का भाई विवाह करके लौटा तो लड़की की माता ने भी ओसान बीबी का पूजन किया। तभी से विवाह के अंत में ओसान बीबी की पूजा का प्रचलन हो गया है। सास सुहागिन स्त्रियों को घर बुलाकर खाना खिलाया जाता है, उनके आंचल भरे जाते हैं, उन्हें दक्षिणा दी जाती है और सुहाग की सामग्री दी जाती है। तो आज मैंने आपको ओसान बीबी की कथा सुनाई। अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चॉकलेट मम्मी से मैं सीमा सिंह, धन्यवाद।